आयुष जायसवाल। हेलो। हाँ सर, ओके, क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहा हूँ मैं। लेसन नंबर 8 का हाफ हो गया मेरा। ओके ओके ओके, लेट मी स्टार्ट दिस। जस्ट गेट टू अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक काफी इजी क्वेश्चन पूछता है। इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो इसका लेवलिंग करने, फ्लावर बना देगा, उसका लेवलिंग करने के लिए पूछेगा, और पूछेगा कि रिप्रोडक्शन कैसे एक फ्लावर में होता है। तो 3 मार्क्स का आएगा अगर पूरा रिप्रोडक्शन पूछता है। लेकिन नॉर्मली रिप्रोडक्शन पूछता नहीं है, पूछता है ये पार्ट्स के नाम। या फिर कोई फ्लावर बना देगा और फ्लावर का पूछेगा। एक सेकेंड, आवाज थोड़ा तेज कर। ठीक है आवाज। इसका लेबलिंग पूछेगा, फ्लावर बना के ए बी सी डी दे देगा। ए दे देगा यहाँ पे बी दे देगा यहाँ पे सी यहाँ पे डी। तो ऐसे पूछेगा कि ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या। लेबलिंग करने के लिए पूछता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लेबलिंग करने। हाँ, पूछ देगा इस पार्ट को क्या बोलते, इस पार्ट को क्या बोलते। ऐसा जैसे कि इस टॉपिक का हमने नाम रखा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट यानी फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से फ्रूट बनता है, एक फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे, फ्लावर के कौन कौन से हिस्से होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो एकदम नीचे होता है वो सेपल होता है, उसको सेपल बोलते हैं। सेपल का हालांकि बाहर की तरफ सपोर्ट देने का काम होता है, उसका पेटल होता है जिसको पंखुड़ी बोलते हैं। राइट, जैसे कि फ्लावर्स की पंखुड़ी वगैरह पूजा पाठ में यूज करते हैं, या फिर वेडिंग में सजावट के लिए करते हैं। तो पंखुड़ी का ये विशेष इस्तेमाल होता है। तो ये इसका हमें रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो आ जाते हैं मेन चीजें। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूटी जो स्ट्रक्चर बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके एकदम टॉप वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। व्हाट यू कॉल इट, स्टिग्मा। फिर उसके बाद ठीक एकदम नीचे आ जाओ, स्टिग्मा के एकदम नीचे, तो ये पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। क्या होते हैं, ओवरी। यहाँ पे लिखा ओवरी मेन पार्ट होता है, जहां पे इट मींस जो पोलन्स होते हैं वो जाके यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पे जो एग दिख रहा है ना, एग को फर्टिलाइज। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको नाम देते हैं स्टाइल। मतलब कि 3 चीजें मिला देंगे तो बन जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन सा, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, जो ये एक सी है स्ट्रक्चर दिख रहा है, तीसरा है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके बना लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हम दूसरा भी नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टिल। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा पिस्टिल के अंदर क्या होते हैं, तो तुम्हें बताना है स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आता है। राइट, ये समझ लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है कि ये जो फिलामेंट दिख रहा है, ये जो फिलामेंट, ये कुछ ऐसे होता है, ये दोनों साइड होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर लगे होते हैं ये एंथर। इसको क्या होते हैं, एंथर। एंथर के अंदर पॉलन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉलन्स होते हैं। पॉलेंस आसानी से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। राइट, चाहे चाहे हवा से एक जगह से दूसरे चले जाए, या फिर इसके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो उसके पैरों में चिपक जाएगा। राइट, या फिर बारिश की वजह से, या फिर इसके इसके पार्ट टूट गए तो उससे भी क्या होता है, पॉलेंस बिखर जाते हैं। तो पॉलेंस एक पार्ट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं, या फिर खुद के प्लांट के स्टिग्मा पे चले जाते हैं। तो पूछा था क्वेश्चन कि ये बताओ फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 चीजें होती है, जिसके अंदर पॉलन्स होते हैं और फिलामेंट होता है। फिलामेंट और एंथर, ये दोनों मिलकर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। दूसरा नाम है स्टामेन। अगर तुम्हें स्टामेन नहीं याद है, स्टामेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, आप मेन को याद कर लेना। मेन को मतलब स्टामेन में मेन आया है तो ये कौन सा इट मींस पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या क्या स्टामेन में आता है, फिलामेंट एंड एंथर आता है। ये हो गए तुम्हारे
इसके हिस्से की बात, मतलब कि जो फ्लावर के जो पार्ट है उसके मैंने नाम बता दिया। अब काम कैसे करता है, लेट अस चेक इट आउट। ये जो एंथर जितने भी पॉलन, सॉरी एंथर है, उसके उसके ऊपर या अंदर की तरफ क्या होते हैं, पॉलन होते हैं। यही पॉलन छिटक के, चाहे जैसे भी छिटक के या फिर जैसे भी, यहां से यहां चले जाते हैं, कहां पे, स्टिग्मा तक, यहां से स्टिग्मा तक। एंथर से जब स्टिग्मा तक पहुंचता है ये जो पॉलन, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन भी बन गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि खुद के पार्ट, खुद ही के प्लांट के पार्ट पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ से एंथर पर से पॉलन निकल के कहाँ आ जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा में जैसे ही जाएगा ये पॉलन, पॉलन के अंदर दो चीजें होती है, पॉलन के अंदर दो चीजें होती है, ट्यूब सेल होता है और न्यूक्लियस होता है। कौन कौन सी चीजें होते हैं, ट्यूब सेल होता है और न्यूक्लियस। पॉलन्स में ये दो चीजें पाई जाती है, ट्यूब सेल और न्यूक्लियस। तो ट्यूब सेल और न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड, मतलब कि इसके अंदर जैसे चिपकता है स्टिग्मा के अंदर, एक रास्ता बनाने लगता है। कौन, पॉलन्स रास्ता बनाने लगता है, और ऐसे रास्ता बना के ये कहां पहुंच जाता है, इस ट्यूब के जरिए कहां पहुंच जाता है, पहुंच जाता है एग तक पहुंच जाता है। ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, ये टाइम लगता है, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है ना, कीमोट्रोपिज्म इसके अंदर हो रहा है, मतलब कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि ये रास्ता बनता जा रहा है। वो रास्ता कौन बना रहा है, पॉलन्स यहाँ पे स्टिग्मा से होते चिपकने के बाद यहाँ पे ये एक रास्ता बना लेता है, जिसको जिसको हम पॉलन ट्यूब भी बोलते हैं। पॉलन ट्यूब भी इसको खा लेता है, इससे पॉलन्स नीचे की तरफ जाके एग को फर्टिलाइज कर लेते हैं। अब जैसे फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद मतलब कि जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पॉलन और एग ये दोनों जब मिलते हैं, तो ये प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जायगोट किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो में बदलता है तो एम्ब्रियो धीरे धीरे फ्रूट बन जाता है। एम्ब्रियो का क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। कहने का मतलब कि सीड उसके अंदर आ जाता है, फिर उसके बाद वो एक फ्रूट का शक्ल देता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट का कौन सा हिस्सा है ना, कौन सा पार्ट फ्रूट बनता है, तो आंसर तुम्हारा होगा ओवरी बिकम्स फ्रूट। इतना समझ में आ गया, ओके चलिए इतना मैंने बता दिया। अब मैं लिखा हुआ बताता हूं कि जो चीज मैंने समझाया उसी को बस वर्ड में लिख, लेट अस सी। देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक पूरा का पूरा दिख रहा है, इसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लियर दिख रहा है, नो इश्यू। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या नाम देते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल क्यों, क्योंकि उसमें उसमें दो दो इट मींस पार्ट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, इसलिए उस प्लांट को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। अब या फिर ऐसे प्लांट जिसमें ओनली वन, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फिर पार्ट हो, दूसरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट जो दूसरे प्लांट में हो, तब क्या उसे बोलेंगे, उसे यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैंने जो बताया वही चीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किससे मिलकर बना है, मैंने अभी बताया पिस्टिल, पिस्टिल को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ये रहा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से। इस स्ट्रक्चर को और क्या बोलते हैं,
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को एक साथ हम पिस्टिल भी कहीं कहीं यूज करेंगे. पिस्टिल क्वेश्चन पूछता है पिस्टिल में, पिस्टिल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, तो ये तुम्हारा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कौन सी चीज है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस चीज से मिलकर बना है? याद देखो एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिला देंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर उसको और क्या नाम देते हैं? स्टामेन. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टामेन भी बोलते हैं. अब इसमें स्टामेन किस किस से मिलकर बना है? फिलामेंट एंड एंथर से मिलकर बना है. एंथर और फिलामेंट को हम दूसरे नाम से करते हैं जिसको स्टामेन बोलते हैं. जब पॉलन, अब यहां से मैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? अब तक तो हमने देखा उसके पार्ट्स देखे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे मिलकर बनाता है और स्टामेन किससे मिलकर बनाता है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टामेन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं. और अब देखेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर, फ्लावर के अंदर, और कैसे इसमें फ्रूट बन रहे हैं. तो व्हेन पॉलन रीचेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब पॉलन कहां से कहां जाता है? एंथर से स्टिग्मा पे जाता है. कहां पे जाता है? ये एंथर से स्टिग्मा में पॉलन जाता है. तो उस पॉलन के अंदर ट्यूब सेल होता है, जो ट्यूब सेल एक रास्ता बनाता है, मेकअप आउट रास्ता बनाता है. कहां तक रास्ता बनाता है? वो ओवरी तक बनाता है. टू पाथ टू ओवरी, ओवरी तक रास्ता बना दिया. वेयर इट फर्टिलाइजेस द एग, जहां पे ये पॉलन रास्ता बना के एग तक जाता है, यानी कि ओवरी, ओवरी में एग तक पहुंचता है और एग को यहाँ पे फर्टिलाइज कर देता है. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, तो तुम्हारा याद रखना ओवरी होगा, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे एंथर, सॉरी एंथर से निकला हुआ पॉलन, ये ट्यूब सेल एक्टिवेट होके यहाँ पे केमिकल प्रोसेस के थ्रू कीमोट्रोपोजिशन के थ्रू यहाँ पे आता है. कहाँ पे? इस ओवरी में आता है. तो वैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइज करके अब क्या बनाता है? लेट अस सी. एम्ब्रियो इज मेड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. जब एग फर्टिलाइज होता है तो एम्ब्रियो बनता है. क्या बनता है? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो और एग बिकम्स जाइगोट. एग जब फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है. जैसे ही वो फर्टिलाइज आफ्टर हैविंग फर्टिलाइज बाय द पॉलन, जब पॉलन उसे फर्टिलाइज कर देता है तो जाइगोट की शक्ल में आ जाता है. वो जाइगोट मतलब दो गैमेट का फ्यूजन से भरा हुआ स्ट्रक्चर को जाइगोट बोलते हैं. जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाइगोट कई बार डिवाइड होता है, सेवरल टाइम, बहुत बार स्टाइल डिवीजन होती है जाइगोट में. बहुत बार स्टाइल डिवीजन होने के बाद वो क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बन जाता है. और विद इन द एम्ब्रियो, विद इन द ओव्यूल, एंड इट डेवलप्स अ टफ कोटिंग एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट्स इनटू अ सीड. मतलब एम्ब्रियो जैसे ही बनता है और उसके ऊपर चारों तरफ से टफ कोटिंग बनने लगती है. जैसे कोई फ्रूट देखते हो, फ्रूट के चारों तरफ टफ कोटिंग बनती है ना, तो टफ कोटिंग ये फ्रूट के चारों तरफ बनना शुरू हो जाता है. ओव्यूल एंड इट डेवलप्स अ टफ कोटिंग एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, टफ कोटिंग बनते बनते धीरे धीरे सीड अंदर, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है. क्वेश्चन पूछता है ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में. ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड्स में कन्वर्ट होता है. याद रखना क्वेश्चन, याद रखना क्या मैं पूछ रहा हूँ. ओवरी किस में बदलता है? ओवरी फ्रूट में. ओव्यूल बदलता है सीड्स. ये क्वेश्चन पूछ सकता है. एंड इट डेवलप्स अ टफ कोटिंग एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, और यही टफ कोटिंग ऊपर से उसको फ्रूट को सुरक्षा देता है और अंदर सीड डेवलप होने चालू हो जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय जैसे जैसे बीतता जाता है, मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे ओवरी फ्रूट का शक्ल ले लेता है ना, फ्रूट का शक्ल, और ये फ्रूट बन चुका है. इस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि फाइनली में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट और सीड में कन्वर्ट होता है. दिस इज द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट में तुम्हें इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. That's it.